सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फॉर्म 16 यानी फॉर्म 16 क्या होता है, एक कहां से इशू होता है और हम कैसे पहचाने कि कौन सा फॉर्म 16 ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है और कहां कहां हमें काम करता है और ये फॉर्म 16 क्या बताता है। अगर हम इसको ले रहे हैं तो इसे क्या बताता, हमारी इनकम बताता, हमारा टैक्स बताता, क्या बताता है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे फॉर्म 16 के बारे में और इसका यूज कैसे करते हैं, सही ओरिजिनल कैसे पहचाने, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं। सो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म 16 के बारे में। जैसा कि मैं बता रहा था, ये फॉर्म 16 क्या है, आमतौर पर हम सुनते रहते हैं कि फॉर्म 16 चाहिए हमें, हमें लोन लेना है तो फॉर्म 16 है या इनकम टैक्स है, तो ये फॉर्म 16 क्या है हमने कई बार सुना होगा अपने जीवन में, काफ़ी लोगों को तो मालूम होगा फॉर्म 16 क्या होता है, लेकिन इसको डिटेल में जानते हैं कि फॉर्म 16 एक्चुअल में होता क्या है, काम क्या करता है, साथ ही साथ क्या उसकी जरूरत पड़ती है हमें इनकम टैक्स भरने में, तो आज ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। सो अब बात करते हैं कि फॉर्म 16 क्या है। सो किसी भी कंपनी या एम्प्लॉयर को किसी भी कर्मचारी की सैलरी देते समय उस पर इनकम टैक्स कानून के तहत उस पर टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टीडीएस की कटौती करनी होती है, यानी जो उसको सैलरी मिल रही है उस पर कितना टीडीएस काटना है, यानी उसको कितना टैक्स के दायरे में आ रहा है, और उसकी इन्वेस्टमेंट के आधार पर सारी चीज जोड़ने के बाद कंपनी फॉर्म 16 इशू करती है साल के अंत में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद कंपनी फॉर्म 16 उसको इशू करती है। साथ ही साथ फॉर्म 16 से हमें यह पता चलता है कि अगर इस साल भर में हमें कितनी सैलरी मिली और उस सैलरी में जो टीडीएस काटा गया वो किन किन आइटम पर टैक्स लगा हुआ है, कितनी सेविंग्स हुई है हमारी, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, उसके आधार पर कंपनी हमें फॉर्म 16 इशू करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी फॉर्म 16 को ही बेस मानता है और उसी के आधार पर जो आप इनकम बताते हैं इनकम टैक्स भरते समय वो उससे मिलान करता है और मैच करता है, तो फॉर्म 16 को वो आधार मानता है। साथ ही साथ अगर आपको फॉर्म 16 में कोई भी इनकम का वेरिएशन आ रहा है तो उसके लिए आपका एम्प्लॉयर जिम्मेदार होता है, यानी एम्प्लॉयर का जो संबंधित व्यक्ति है जिसने आपका जो फॉर्म 16 बनाया है उसने अगर कोई गलती की तो वो जिम्मेदार होगा, इसमें कर्मचारी कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। साथ ही साथ अगर ये एक साल कंप्लीट होने के बाद आपको फॉर्म 16 31 मई से पहले मिल जाना चाहिए, यानी कोई भी कंपनी आपको जनरली इशू कर देती है आपका फॉर्म 16 31 मई से पहले, अलग अलग केसों में कभी कभी अगर डेट बढ़ जाती है तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाकी आपका फाइनेंशियल मार्च में कंप्लीट होने के बाद 31 मई तक आपको फॉर्म 16 इशू हो जाना चाहिए। सो अब बात करते हैं बेसिकली फॉर्म 16 के पार्ट्स की, यानी फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। तो पार्ट ए में बेसिकली रहता है कि कर्मचारी यानी जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है, उसने जो टैक्स भरा है और साथ ही साथ एम्प्लॉयर यानी कंपनी ने जो टैक्स भरा है तो उसकी सारी जानकारी दी रहती है। एक सर्टिफिकेट है जो एक आपको बताता है कि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स जमा करा दिया गया है। दूसरा होता है आपका पार्ट बी, ये पार्ट बी होता है एक पूरा स्टेटमेंट होता है, इसमें कर्मचारी द्वारा यानी जो भी जिसके नाम से फॉर्म 16 है उसके पार्ट बी में लिखा रहेगा कि उसने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी आय हुई है और उस आय पे कितना उसको टैक्स दिया और उस टैक्स पे उसको और कितनी छूट मिली, तो ये सारी चीजें उसमें डिटेल में लिखी रहती है पार्ट बी में। तो ये था फॉर्म 16 जिसके बारे में हम जान रहे थे, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमें एक एम्प्लॉयर द्वारा इशू किया जाता है। तो अब बात करते हैं फॉर्म 16 कितने टाइप के होते हैं। सो बेसिकली फॉर्म 16 दो प्रकार के होते हैं, एक उसमें से होता है फॉर्म 16 ए और फॉर्म 16 बी। तो फॉर्म 16 ए क्या होता है, फॉर्म 16 ए में बेसिकली आपकी जो सैलरी के टीडीएस के अलावा और किन चीजों पर टीडीएस लगाया है और किस व्यक्ति ने टीडीएस काटा है उसका ये सर्टिफिकेट होता है, उसमें जिस व्यक्ति ने टीडीएस काटा है उसका नाम, पता, पैन नंबर, पैन कार्ड की डिटेल, साथ साथ टेन नंबर, ये सारी डिटेल उसमें दी रहती है फॉर्म 16 ए में। और इसमें दूसरा होता है फॉर्म 16 बी। ये फॉर्म 16 बी आपका होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी पे खरीदार पे आपको जो भी टीडीएस लगता है, यानी कोई भी खरीदार है अगर उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर उसने जो टैक्स बताया कि इतना टैक्स हमने काटा है तो वो टैक्स उसने डिपार्टमेंट को जमा करा दिया गया, उसका ये सर्टिफिकेट रहता है फॉर्म 16 बी। सो बेसिकली ये प्रॉपर्टी खरीदने पे कोई भी अचल संपत्ति जब हम खरीदते बेचते हैं तो उस समय ये फॉर्म 16 बी हमको मिलता है, खरीदार को इशू करना पड़ता है। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर आपका फॉर्म 16 खो जाता है तब भी आप आईटीआर भर सकते हैं, यानी आईटीआर आपका नहीं रुकेगा फॉर्म 16 की वजह से। आपको मालूम होगा कि आईटीआर भरते समय फॉर्म 16 लगता है, लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है फिर भी आप आईटीआर भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो फॉर्म 16 उन्हीं लोगों को इशू होता है, यानी उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिनकी सैलरी टैक्स के दायरे में आती है, यानी अगर आपका सैलरी टैक्सेबल है तो आपको फॉर्म 16 जरूर मिलेगा।
अगर इसमें हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो अगर आपका फॉर्म 16 खो जाता है तो आप ट्रेसेस की वेबसाइट से जाके दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका खो जाता है और आपको जरूरत है तो आप ट्रेसेस की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने जो TDS कटा है आपका, यानी जो फॉर्म 16 में आपके पार्ट ए में जो लिखा था कि अपना इतना TDS कटा है आपकी इनकम पे, वो TDS आपका जमा हुआ है नहीं हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अगर आपको उसको वेरीफाई करना है तो आपको क्या करना है, ट्रेसेस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप 26AS करके जो फॉर्म होगा उसको डाउनलोड करेंगे और अपने जो भी डिटेल डालेंगे तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसमें जो भी टैक्स कटे हैं आपके वो उस फॉर्म में आपको दिख जाएंगे वन बाय वन, जो भी आपके टैक्सेस कटे होंगे, तो जिससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपके जो टैक्स कटे हैं वो टैक्स को यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा भी की गए हैं। सो ओवरऑल देखें तो ये था फॉर्म 16 जो हमें एक एम्प्लॉयर इशू करता है, यानी एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को इशू करता है जो हमें बताता है कि आपकी एक साल की फाइनेंस ईयर की इनकम कितनी हुई, उस पर कितना टैक्स कटा है, कितना आपको बेनिफिट मिला, ये सारी चीज़ें उसमें फॉर्म 16 में हमें पता चलती हैं। उसमें पार्ट ए पार्ट बी भी रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने फॉर्म 16 में देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या इनकम टैक्स भरने वाले हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की डेट भी अभी बढ़ गई है, मार्च तक हो गई है। सो इनकम टैक्स भरना चाहते हैं तो आपने अभी तक अगर फॉर्म 16 नहीं लिया है अपनी कंपनी से, तो आप ले सकते हैं और उसको इनकम टैक्स भर सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।